हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और मैं हूं निशांत शर्मा। जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने अपने चैनल पे ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने के लिए पूरा प्रोसेस बताया है, कैसे आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, कैसे आप ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। तो जो आज की वीडियो बनाने वाले हैं वो जूनियर इंजीनियर पे होगी, कैसे आप ग्रुप डी से ग्रुप सी के अंदर जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो आइए, हमने जो ये फोकस किया है वो हमने फोकस किया इंजीनियरिंग पे फिलहाल। ठीक है, इसके अंदर एसएनटी और इलेक्ट्रिकल कवर नहीं है। वो अगर कमेंट आएंगे, ज्यादा डिमांड होगी तो डिमांड पे इसको बनाया जाएगा। ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने के लिए रेलवे आपको टोटल तीन ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आता है एनडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सेकंड वन इज डीपी डिपार्टमेंट प्रमोशन, थर्ड वन इज जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जैसे हमने आपको हमेशा बताया कि टोटल रेलवे के अंदर ये 8 पोस्ट हैं जिसके अंदर वेरियस एग्जाम्स देके आप जा सकते हैं। सभी डिपार्टमेंट के लोग इन सभी पोस्ट पे नहीं जा सकते। हमने स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम कवर करेंगे जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर का सफर आपका स्टार्ट होता है, फटाफट से ग्रुप डी की जांच पे बैठ जाइए, ये बन गए आप जूनियर इंजीनियर। आज इस वीडियो के अंदर हम खाली इंजीनियरिंग की जो भी ब्रांचेज हैं, जैसे कि पीवे है, वर्क्स है, ब्रिजेस है, ट्रैक मशीन है, तो यही हम इनका ही प्रमोशन यानी कि एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले अगर मान लो हमने पीवे को ले लिया, तो पीवे में डीपी डिपार्टमेंट प्रमोशन के थ्रू कैसे जा सकते हो, कितना परसेंट उसका वेटेज है, एलडीसी में कितना है, एलडीसी में कितना है। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेई पीवे। तो जेई पीवे में जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन का जो कोटा है वो 20% कोटा है, एंड क्वालिफिकेशन इसके अंदर चाहिए आईटीआई और 10th पास। डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी ट्रैक मेंटेनर है जो उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इन 2800 ग्रेड पे, वो इसके लिए एलिजिबल है। एंड इसके अंदर सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी बेस का मतलब क्या है, जो भी यानी एग्जाम कंडक्ट होगा उसके अंदर 60% आपको नंबर लाने होंगे, देन आप सुटेबल हो जाएंगे, देन उसके बाद आपकी सीनियरिटी काउंट होगी, देन उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। याद रखना ये आईटीआई है, आईआईटी नहीं है। तो हम बात करेंगे एलडीसी की। एलडीसी एक्चुअली टोटल 20% वेटेज रखता है, और ये रखता है किसमें, पीवे वाली कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास या तो आईटीआई होनी चाहिए, अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो ये एग्जाम आने तक आपके 3 years कंप्लीट हो जाने चाहिए, वही आपके डिपार्टमेंट्स। और डिपार्टमेंट कौन कौन से भर सकते हैं इसके अंदर, जो पीवे के अंदर है सिर्फ वही लोग भर सकते हैं, अगर ब्रिज वाले जाना चाहे तो वो नहीं जा सकते इसके अंदर। और दूसरी बात करें हमें एज की, तो एज में जनरल कैटेगरी है वो 47 years है, और एस सी एस टी के लिए 52 years रजिस्ट्रेशन, मतलब 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन दे रखा है इसके अंदर। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जूनियर इंजीनियर वर्क्स के लिए। इसके अंदर जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा है वो है 25%, क्वालिफिकेशन उसके अंदर सेम वही है आईटीआई और 10th पास। डिपार्टमेंट आपके इसी डिपार्टमेंट के सीनियर टेक और टेक वन कंप्लीटेड, जिनके 2 साल हो चुके हैं सर्विस के अंदर, वो भर सकते हैं। एंड सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी का मैंने आपको बताया ही नहीं, सिंपली जो आपका यानी एग्जाम होगा उसके अंदर 60% आपके आ जाएंगे तो आप सुटेबल हो जाएंगे, एंड देन आपकी सीनियरिटी देखी जाएगी। सेम अगर वर्क्स के अंदर हमको देखना होगा एलडीसी, तो एलडीसी से 10% वेटेज रखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सेम क्वालिफिकेशन आपकी जैसे उसमें बताई थी, या तो आपके पास आईटीआई और 12th में आपके पास पीसीएम हो, सेम चीज़ आपके 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। और लास्ट में अगर हम बात करें एज, तो एज भी सेम वही है 47 और 52 years, लेकिन याद रखिए एलडीसी इसके अंदर 10% वेटेज रखता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन के लिए। देन इसके लिए जो डिपार्टमेंटल कोटा होता है वो होता है 25%, क्वालिफिकेशन सेम आईटीआई और 10th पास। डिपार्टमेंट इसके अंदर जो सीनियर टेक और टेक वन जिनको 2 साल हो चुका है सर्विस में, एंड सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी बेस जो हमने आपको पहले समझाई दिया है। अगर हम बात करें जेई ट्रैक मशीन में एलडीसी एग्जाम, तो वो 25% कोटा है उसके पास। इसके अंदर भी सेम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है, आईटीआई हो या फिर 12th में पीसीएम रखी हो आपने। उसके अलावा आपके 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए एज टेक 3 के अंदर, मतलब जो आप सर्विस में आते हो तो 3 साल हो जाने चाहिए आपके नोटिफिकेशन आने तक। एज आपकी 47 और एस सी एस टी में 52 दे रखी है। नेक्स्ट लास्ट जो है वो है जूनियर इंजीनियर ब्रिज। इसके अंदर जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा है वो है 25%, क्वालिफिकेशन आईटीआई और 10th पास। डिपार्टमेंट सीनियर टेक और टेक वन 2 साल की सर्विस होनी चाहिए, एंड सेम वही सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी बेस्ड। और अगर हम लास्ट बात करें जेई ब्रिज के लिए एलडीसी एग्जाम, तो ये 15% वेटेज रखता है। इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन वही आईटीआई होनी चाहिए या 12th का पीसीएम होनी चाहिए, सेम चीज़ 3 साल कंप्लीट होना चाहिए, और आपके 47 और 52 ज़्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं आपके। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आप किसके अंदर आ रहे हो, किस ग्रेड में आ रहे हो, किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, उस आपके आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना वेटेज मिला हुआ है। हाँ जी दोस्तों, तो हमने इस वीडियो के अंदर एलडीसी
एंड डिपार्टमेंटल प्रमोशन को डिस्कस किया। तीसरा जो था जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोटा, देन इसके अंदर क्या है, आरबी को अगर अर्जेंटली चाहिए भाई कंडक्ट कराना है उनको रिक्रूटमेंट, तो वो जीडीसी के थ्रू में वैकेंसी निकाल देता है एंड इसके अंदर कोई भी यानी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर भर सकता है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट्समैन भाई भर नहीं सकता, पॉइंट्समैन भी भर सकता है इसके अंदर। याद रखना जो जीडीसी होता है उसके अंदर, हमने पहले भी वीडियोस में समझाया है, जीडीसी जो एग्जाम होता है वो आरआरबी की जो वैकेंट पोस्ट होती है उसका कुछ परसेंटेज 20% होता है, उसका कुछ परसेंट एक लेके वो नोटिफिकेशन निकाला जाता है। उसमें अगर आप बन जाते हो तो आपको वो बिल्कुल एक आरआरबी कैंडिडेट की तरह ट्रीट करते हैं। उसके जो फैसिलिटीज मिलेंगी वो एक आरआरबी को जो मिलती हैं वो आपको मिलेंगी। मतलब प्रमोशनल में ना एक फिक्स होता है कि आप इसी पे ग्रेड तक जा सकते हो, लेकिन आपने जीडीसी एग्जाम अगर क्रैक किया तो आप जो प्रमोशन एक जेई को जिस लेवल तक मिल सकता है, जेई एसएससी उससे आगे जितना, तो वो आपको मिलेगा। और इसके अंदर याद रखना एग्जाम जो होगा वो सिर्फ उसी जोन के लोग उसमें बैठने वाले हैं, ठीक है, उसके बाहर के नहीं बैठेंगे। आपको भाई जाना हो ट्रैक मशीन से, भाई मुझे तो जेई वर्क्स के अंदर जाना है, तो आप जा सकते हो, ठीक है, इसके अंदर कोई भी किसी में भी जा सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है एंड सिलेबस हमने इसके अंदर नहीं समझा क्योंकि सिलेबस हर ब्रांच के लिए बहुत बड़ा बड़ा हो रहा था, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम के ऊपर प्रीवियस पेपर भी आपको मिलेंगे एंड उसका सिलेबस भी आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा उसका वो पड़ा हुआ है, लिंक मिला हुआ है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले और एसएनटी डिपार्टमेंट वाले अगर जानना चाहते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप लिखेंगे तो हम बनाते हैं वीडियो, बिल्कुल बनाएंगे भाई साहब, काम ही है हमारा। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, टेलीग्राम पे भी जुड़े, इंस्टाग्राम पे भी जुड़े, बिल्कुल जुड़े। और यानी हमारी वीडियोस खाली इसी से रिलेटेड नहीं है, प्रमोशन से रिलेटेड ही नहीं है, और भी यानी अगर आपको बाइक बुक करानी है, आप जैसे सिलेक्शन ले रहे हैं, अगर आपको बाइक लेके जानी है भाई साहब, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको अपना पेट लेके जाना है, सामान लेके जाना है, तो उसके प्रोसेस हमने पूरा समझा रखा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो देखें, शेयर करें अपने भाइयों दोस्तों बहनों सबको। बाय बाय।